तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको अपना यूट्यूब चैनल भारत का भविष्य में। जी हाँ फ्रेंड्स, एक फिर से नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ BRM GSS से संबंधित। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ। जी हाँ फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है आपका ई श्रम पंजीकरण से संबंधित है। जी अपने यानी कि देख सकते हैं नौकरी की पेशकश हुई तेज। जी अपने 1.5 लाख सीट है खाली। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, वरना आप यहां तक क्यूट करके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। 30 से 40% भारी छूट के साथ अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल चेरी पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, अगर इस भाई को आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे देखते हैं ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को मिलने लगी नौकरी। और फ्रेंड्स, यहां पे हाईलाइट में देख सकते हैं 26,000 श्रमिकों को संगठित क्षेत्र से नौकरी की पेशकश। ओ माय गॉड। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, इसको आप टोटल पढ़िएगा तो यहां पे आपको समझ में आने वाला है। देख सकते हैं असंगठित कामगारों के फायदे के लिए शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल और पंजीकृत श्रमिकों को अब नौकरी की पेशकश होने लगी है। यह पेशकश ई श्रम पोर्टल को नेशनल कैरियर सर्विस यानी कि ASCS के साथ जोड़ने की वजह से हो पा रही है। जी अपना नेशनल, यहाँ पर जैसे वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए पेश बजट में वित्त मंत्री ने श्रम मंत्रालय के ही NCS पोर्टल MSME मंत्रालय की तरफ से चलाए जा रहे उद्यम और असीम पोर्टल को एक दूसरे से जोड़ने की घोषणा की थी। यहाँ पे आगे देख सकते हैं ताकि इन श्रमिकों को नौकरी भी मिल सके। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि 22 करोड़ से अधिक कामगार जो है यहाँ पे पंजीकृत हो चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं 1.5 लाख से अधिक रिक्तियाँ हैं इसमें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा इसमें भर्तियाँ अभी खाली पड़ी है पद। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि 26,000 से अधिक कामगार NSC पर भी पंजीकृत हो चुके हैं। और यहाँ पे इसमें जॉब की यहाँ पे बात किया जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल जो जॉब भी मिलना शुरू हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं एक महिला को जो है नामी केमिकल फर्म में जो है देख सकते हैं जिला प्रबंधन की नौकरी मिली है। जो एक कोई केमिकल फर्म है वहाँ पे जिला प्रबंधक की इसको नौकरी मिल चुकी है। और यहाँ पे एर्नाकुलम जो कि शायद केरल में पड़ता है, एक महिला है जिसको सॉफ्टवेयर कंपनी में जो है प्रोसेस एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिली है। यहाँ पे आगे देखते हैं मंत्रालय के मुताबिक NCS से जोड़ने की वजह से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को उनके आसपास के इलाकों में ही नौकरी के विकल्प मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि अगर आप लोग इसमें अगर आप पंजीकृत कराते हैं तो आपके एरिया में आपके नज़दीक आपका जो यहाँ पे नौकरी मिल जाएगा। इस अगर अभी तक आप लोग जो ई श्रम पोर्टल पर अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराए हुए तो आप लोग जाकर के उसमें पंजीकृत कराइए, अपना जो है उसमें रजिस्ट्रेशन ID प्राप्त कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।